वो कैसा काम कर रहा है, मरेगा साला। अबे किसी अच्छे को काम पे लगाना। नमस्ते मालिक। क्या बात है और यहाँ किस काम से आया है? थोड़े पैसे चाहिए थे। क्या? कुछ पैसे चाहिए थे मालिक। इधर आ। क्या है भैया? झुक जरा। काम तो ठीक से कर नहीं सकता और पैसा चाहिए। नहीं चाहिए भैया। पैसा चाहिए मालिक। थोड़ा पानी चाहिए था मुझे। पानी चाहिए? हाँ मालिक, प्यास लगी थी। चल निकाल। ए, ए, क्या है मालिक? ये दो दो ईटा क्या ला रहा है? ज्यादा ऊटा के ला। ठीक है, जाता हूँ। छमिया, इतना वजन क्यों लेके जा रही है? अपने नाजुक शरीर को क्यों इतना तकलीफ दे रही है? अरे अरे, ये तो लाइन ही नहीं दे रही है। तेरे शरीर में ताकत नहीं है क्या? खाना खाता है कि मिट्टी खाता है? हाँ, चल तुझे अभी बताता हूँ। भाई इसको पकड़ कर लिया। किधर गया था तू? मुझे यहाँ काम करना पसंद नहीं है, मुझे पढ़ना है। तुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर? डॉक्टर। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेता है। तेरे बाप का कर्जा कौन भरेगा बे? तेरी तो। 3 साल से काम कर रहा हूँ, अभी तक कर्जा खत्म नहीं हुआ। मेरे बाप ने तुमसे पैसे लिए थे, इसका क्या प्रूफ है? प्रूफ? तेरे को प्रूफ चाहिए क्या? ये ले प्रूफ। इसके बाप का कर्जा खत्म होने तक इससे ऐसे ही काम कराते रहो। तू? मुझे पता चला है तुम लोग यहाँ मासूम बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हो। मैंने सोचा चलो तुम लोग को कुछ नसीहत दे आता हूँ, लेकिन तुम लोग की शक्ल देखकर ऐसा लगता है तुम लोग सुधरने वालों में से नहीं हो। अच्छा, तो तुम मेरे इलाके में आके मेरे ही लड़कों पे हाथ उठाएगा? अपने लड़कों को अपने ही इलाके में रहने को बोल, दूसरे इलाके में गए तो ठीक नहीं होगा। पौवा चढ़ा के हराम की खा के बॉडी बना के लंबे बाल रख के सबको धौस दिखाने वाला, छोटे मासूम बच्चों पे जुल्म करके सीधे साधे लोगों को परेशान करने वाला, ना मर दे तू। छोड़ दे ये सब वरना बहुत महंगा पड़ेगा। धमकी किसको दे रहा है? मैं कोई तेरी बीवी या रखेल नहीं हूँ जो तू मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। तू अभी मुझे जानता नहीं है, बीवी क्या है रखेल क्या है तुझे 5 मिनट में सब पता चल जाएगा। लगता है बहुत दम है तेरे में। तुझे मारने के लिए दम की क्या जरूरत, तेरे लिए तो बाजुओं की ताकत ही काफी है। लगता है ये बातों से समझने वाला नहीं है। मार के इधर ही दफन कर दो इसको। Thank you.
चलो। बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। मेरे को मार के अच्छा नहीं किया तूने। तेरा नाम क्या है? मैं तेरा नाम पूछ रहा हूँ। ये बोल नहीं सकता है। इसका नाम पुरुषोत्तम है, ठीक है? खाना ऐसे नहीं खाते हैं। रुको। आ करो। गुड। सर, एमएलए राम मनोहर जी ने 10 लाख का चेक दिया है, ये लीजिए। राम मनोहर जी ने? सच में राम मनोहर जी का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे पूर्वजों का कहना है कि पैसों के लिए कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। मैं जो यहाँ ये सब कर रहा हूँ वो पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सब तो मेरे ऊपर मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है, और इसीलिए मैंने इस आश्रम का नाम कस्तूरी निवास रखा है। राम मनोहर जी को थैंक्स कहना और उन्हें ये चेक वापस कर देना। ओके, ठीक है, थैंक यू। कंटेंट शो के काबिल नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, एटलीस्ट डिबेट लाइक मैटर तो हो। नो, आई एम सॉरी, आप लोगों को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। यू मे गो नाउ। इसे देखते ही सर फुल इंप्रेस हो जाएंगे। हाँ, सच में। हे, हाय। 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 हाय श्रुति। हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग श्रुति, कैसी हो? आओ बैठो, बैठो। थैंक यू सर। सर, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज़ का वकी है, प्लीज वॉच इट वंस सर। पहले मैटर तो बताओ, फिर वो ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये मैं बताऊंगा। सर, मेरे बिल्डिंग में मेरे घर के बगल की एक अच्छी खासी फैमिली आपस में झगड़ा कर रही थी, और उन्हें देखकर मोहल्ले के सारे लोग इंजॉय कर रहे थे। मैं उन्हीं को शूट करके लाई हूँ। अगर इसे लड़ाई घर घर के नाम से प्रोग्राम बनाकर दिखाया जाए तो अच्छा रहेगा ना सर? टीआरपी भी मस्त मिलेगी, प्रोग्राम तो पक्का फेमस होगा सर, कैसा रहेगा? जर्नलिज्म का मतलब लोगों को खुशी देना नहीं है, इसका कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। अब देखो, जैसे झगड़ा, मारपीट, रेप, मर्डर, लूटपाट और एक्सीडेंट, ये सब तो मामूली बातें हैं। 2400 घंटे सभी चैनल यही दिखाते हैं। अपने फायदे के लिए और टीआरपी के लिए लोगों को गलत न्यूज दिखाकर उन्हें गुमराह करना जर्नलिज्म का दुरुपयोग है। ऐसी झूठी और गलत न्यूज दिखाने की वजह से मीडिया का नाम बदनाम हो गया है। इसलिए हमें घर तोड़ने के प्रोग्राम नहीं दिखाने, देश को जोड़ने वाले प्रोग्राम दिखाने हैं। तुम सब यंगस्टर्स हो, मुझे भरोसा है तुम अच्छा ही करोगे। नाउ गो एंड डू इट। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अरे, 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 अरे
अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अरे पीछे हटो, पीछे ये पुलिस केस है, पीछे हटो। अरे लेकिन दूर रहो, कोई हाथ मत लगाना, दूर रहो। एम्बुलेंस को फोन करो भाई। अरे कोई तो फोन करो, अरे मर जाएगा बेचारा ये। एम्बुलेंस को फोन करो बेटा। हाँ अभी करता हूँ मैं। अरे कोई इसे पानी पिलाओ यार। अरे कोई पानी पिलाओ, अरे पिलाओ भाई पानी पिलाओ। क्या हो गया यहाँ पर? सुनिए आप चलिए यहाँ से, हमें इस झमेले में नहीं पड़ना। गलती किसकी थी? पता नहीं, हमें तो इस झमेले में नहीं पड़ना। छूना मत, पुलिस केस है ये। ए, मुझे परवाह नहीं है पुलिस की, पहले इसे बचाना होगा। अरे लो, इसे पानी पिलाओ। हाँ लो जाओ, लो पिलाते, ये लीजिए। जल्दी से ऑटो बुला कर लो। हाँ लेके आता हूँ। अरे हटो भाई, ऑटो आया क्या? चलो भाई पास के किसी हॉस्पिटल में ले चलो। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? आप लोगों को खुद मदद की जरूरत है, लेकिन आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। आप लोग सच में ग्रेट हैं। जिसे खुद पे भरोसा होता है वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा हमारे जीतू भैया कहते हैं। ग्रेट हम नहीं हैं, हमारे जीतू भैया ग्रेट हैं। हमारे जैसे कितने ही लोगों का सहारा हैं हमारे जीतू भैया। चलो भाई चलते हैं। यार ये जीतू भैया कौन है? रुको। हम लोग मीडिया से हैं, ओपन द गेट। सॉरी मैडम, मीडिया वालों को अंदर जाना अलाउड नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकती। ए, ये सब क्या है? मीडिया वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए, पता है ना? लोग हम देख लेंगे मैडम, आप निकलो यहाँ से। सर प्लीज सर, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, आपकी मदद के लिए हम आपको जिंदगी भर याद रखेंगे। प्लीज ओपन द गेट सर। मैं तुम्हें कोई सुभाष चंद्र बोस या स्वामी विवेकानंद लग रहा हूँ क्या, जो मुझे जिंदगी भर याद रखोगी? चलो निकलो यहाँ से। सर प्लीज सर, चाहिए तो 500 रुपए ले लीजिए, पर गेट खोल दीजिए ना। अरे मैडम, हम आपका 500 रुपया लेके का करेंगे? आश्रम में दान कर देना। आप लोग बाद में आना मैडम, साहब के आने का टाइम हो गया है। चलो निकलो यहाँ से। सुनिए तो सर। गुड मॉर्निंग सर। ये है जीतू। मैंने तो सोचा था कि कोई मदर टेरेसा जैसा बुजुर्ग इंसान होगा। ही इज सो यंग, देयर इज समथिंग स्पेशल। कम लेट्स गो। Excuse me, sir. If you don't mind, क्या मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? 1 मिनट। Sure, sir. Okay, sir. चलो अब तो अपना काम हो जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात होगी। मीडिया वालों से मैं क्या बात करूँगा? बिल दीजिए। हाँ? अरे ये कहाँ चले गए? अरे वो रहे। हाँ, चल। ये क्या सर, हमें रुकने को कहा और आप चले आए? मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, और वैसे भी मुझे मीडिया वालों से कोई बात नहीं करनी है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम मीडिया वाले हैं, ये आपको कैसे पता? आईडी देख के पता चल जाता है मैडम। ओह, तो मीडिया से डर लगता है? अभी तक तो मैं किसी से नहीं डरा, और शायद आगे भी नहीं डरूंगा। और फिर मीडिया वालों से मैं क्यों डरूं? तो फिर एक इंटरव्यू दे दीजिए ना सर। मेरा इंटरव्यू लेने की क्या जरूरत है? इससे आपकी सोशल सर्विस सबको पता चलेगी। इसीलिए मैं मीडिया से दूर रहता हूँ, और ये सब मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ।
पब्लिसिटी के लिए नहीं, प्लीज ये गाड़ी हटा दीजिए। जब तक इंटरव्यू नहीं देंगे हम गाड़ी नहीं हटाएंगे। इंटरव्यू दीजिए, गाड़ी हट जाएगी। जाओ जाओ, मैं भी देखती हूँ कब तक बचते हो। कुछ भी हो जाए छोड़ना मत इसे। चल चलते हैं।